ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर कोटा से, ये खबर है ईआरसीपी को लेकर केंद्र राज्य सरकारों के बीच तनातनी। अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लगाया आरोप, ईआरसीपी की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हो केंद्रीय, लेकिन केंद्र द्वारा अपेक्षित सहयोग देने के बजाय अटकाए जा रही हैं रोड़े। लेकिन ईआरसीपी है राज्य की महत्वपूर्ण योजना, केंद्र सहयोग नहीं करेगा तब भी जारी रखेंगे काम। 200 करोड़ रुपए की ये योजना बनाई थी, वो योजना जब बनी तो उसके बाद में जब चुनाव आए 2018 में तो दो बार, एक बार अजमेर में और एक बार जयपुर में, जयपुर में 7 जुलाई को और अजमेर में 6 अक्टूबर को 2018 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी इस बात की कि साहब ये 13 जिलों को पानी, सिंचाई के लिए भी पानी देगी और पीने का पानी भी इससे उपलब्ध होगा, इसलिए ये राष्ट्रीय महत्व की योजना है, इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाएगा और केंद्र सरकार की पूरी जो मदद राष्ट्रीय परियोजना पर जो 90-10 का रेशो रहता है वो इसको जो है प्राप्त होगा। ये इस प्रकार के भाषण उन्होंने दिए थे, जो कि जिनका वीडियो बना हुआ है, जिनके सारे सबूत मौजूद हैं। अब जो है केंद्र सरकार ये चिट्ठी लिखती है राज्य सरकार को कि इस पर काम बंद कर दिया जाए, जबकि राज्य सरकार तुली हम तुले हुए बैठे हैं इस बात के लिए कि हम इसकी योजना को क्रियान्वित करेंगे, चाहे इसमें केंद्र सरकार आर्थिक सहायता दे न दे, राष्ट्रीय महत्व की योजना घोषित करे न करे, कुछ भी नहीं करे, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि 13 जिलों का मामला है, पूरे पूर्वी राजस्थान के 13 जिले जो है आपके, जिनमें झालावाड़, 12, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक तक के सब लोग हैं और जिले जो है वो इससे क्या नाम लाभान्वित होंगे और 2 लाख हेक्टर सिंचाई की भूमि जो है, सिंचाई हेतु भूमि जो है वो भी काफ़ी विस्तार होगा, सॉरी 2 लाख हेक्टर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा जो है का विस्तार होगा और पेयजल उपलब्ध होगा। तो ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि जिसके लिए अभी जो है केंद्र सरकार ने एक पत्र लिख करके इसको रोकने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि इस परियोजना को हम किसी भी हालत में नहीं रोकेंगे, चाहे स्टेट फंड से हमें जो है पूरी की पूरी योजना पूरी करना पड़े। वैसे भी देखा जाए तो ये राजस्थान के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी इसलिए है कि हर स्टेट में कोई ना कोई प्रोजेक्ट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का चलता है, राष्ट्रीय महत्व का चलता है। राष्ट्रीय महत्व का जो प्रोजेक्ट चलता है, राजस्थान में एक भी प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रीय महत्व का आज तक इन्होंने मंजूर नहीं किया। तो एक